आए हैं उरूज और कोमल। मैं टॉस कर रहा हूँ, ना उरूज यहाँ पर है ना कोमल यहाँ पर है। हेड या टेल? टेल। बैटिंग करेंगे बॉलिंग? बॉलिंग करेंगे। चलें, हाँ जी चलें जी, चलें जी, आप लोग बैटिंग पे जा रहे हैं। रूल वही है भाई, एम्पायर भेजें अदिल भाई। नहीं नहीं लड़की और एक लड़का। हाँ फेस पे, उनका भी यही है आपका भी यही रूल है। हाँ जाओ 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 फयाज और फैसल भाई, माइक पकड़ लें, कमेंट्री शुरू कर दें। हाँ जी सोशल मीडिया स्टार जो है वो लोग बैटिंग पे हैं और बॉलिंग पे पाकिस्तान स्टार्स हैं और ओपन करने आई हैं ईशा और साथ में हैं फयाज। बल्ले से अगर बॉल भी लग जाए तो सिंगल कर सकते हैं, यही रूल्स आप लोगों के लिए भी शामिल हैं। और इस वक्त दो टीमों के दरमियान बेहतरीन सा मुकाबला शुरू हुआ चाहता है। एक लड़की ज्यादा है तुम्हारी खड़ी हुई, क्या इस वक्त अभी चलें जी रेडी आ रहे हैं और बॉल कराने के लिए। जी जी बिल्कुल, बॉल कराई, बॉल फेंकी और ईशा ने बॉल लेफ्ट कर दी और बॉल डेड हो गई है। ईशा को दोबारा बॉल कराई और बॉल अपेश खेली गई और ये कैच था और उन्होंने कैच छोड़ दिया। लड़की का बंटे आउट नहीं है और एक बॉल पे एक रन हो चुका है इस वक्त और सिर्फ एक ही बॉल हुई है अब तक और अब खेलने के लिए आए हैं और ईबा ने बॉल की है और बहुत डेड बॉल हो रही है, इनको थोड़ा सा आगे करानी पड़ेगी बॉल। बहुत शॉर्ट पिच बॉल और चार रन के लिए फेंक दिया। डबल बैट, दो बॉलों पे अब तक मजमूई स्कोर 5 रन है, 6 है। गलती भी हो जाती है, एम्पायर पक्का वाला थोड़ी हूं मैं। और ये बॉल वाइड फेंक दी गई है, वाइड फेंकी गई है, वाइड स्टंप से बाहर थी और बॉल कराई शॉर्ट पिच एक दफा फिर और 4 रन के लिए इन्होंने भेज दिया। और फयाज ने इस वक्त 2 चौके लगातार लगा दिए हैं और 10 रन मजमूई स्कोर और हाथों में और आउट हो गए। बहुत अच्छी बॉलिंग की और शॉर्ट पिच बॉल थी लेकिन अबीबा ने बेहतरीन बॉलिंग की। भाई क्या बात है अबीबा की। और फैसल भाई आए इस दफा और बेकरार हैं बॉल खेलने के लिए और उन्होंने बिल्कुल साड़ी वाले अंदाज में खेला जिस तरह साड़ी पहनते और बेहतरीन बॉल और आउट नहीं हुए, बच गए। 2 टप्पे लग गए थे बॉल के, 5 बॉल 11 रन और फैसल भाई खेलने के लिए और आउट हो गए। ये फैसल भाई ने मेरे ख्याल से जानबूझ के इस तरह से खेला है और 11 रन पे ओवर हो चुका है। ओवर हो गया ईशा, इतनी जल्दी हो जाता है मेरा ओवर। और टोटल स्कोर इस वक्त 11 रन है और एक ओवर के अख्ताम पर। अरे इस वक्त बॉलिंग करके फील्ड पे आते हैं। हाँ, कल बॉलिंग सोशल मीडिया के इस वक्त टोटल 11 स्कोर हो चुके हैं और पाकिस्तान स्टार इस वक्त सेकंड ओवर कराने के लिए तैयार हैं। सिकंदर आ गए हैं बॉल कराने के लिए। सिकंदर ने बॉल की, बहुत ही अच्छी बॉल गैप में से निकली, गैप में से बॉल ही निकाल रही है आज और बॉल कराई और अपेश हुआ और एक और अरे यार 1 रन फिर इजाफा हुआ। वेरी गुड इमरान, 2 बॉले 1 रन, 12 रन अब तक हो चुके मजमूई स्कोर। सेकंड ओवर चल रहा है इस वक्त और सिकंदर ने बॉल की और हाथों में से निकल गई और 4 रन के लिए उन्होंने खेल दिया।
उसामा ने बड़ा अच्छा खेला और दोबारा से उन्होंने, और बहुत अच्छी बॉल मिस की इन्होंने, सिकंदर ने बड़ी अच्छी टर्न की बॉल और बहुत ही उम्दा बॉलिंग चल रही है इस वक्त, बहुत टाइट और बहुत ही अच्छा ड्राइव किया, जबरदस्त चार रन के लिए बहुत जबरदस्त ड्राइव किया, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक और बॉल बिल्कुल, टोटल इस वक्त 20 स्कोर हो चुका है और दो ओवर के अख्ताम पर। सुनो, और एम जे एस एन बॉल के लिए आए हैं और उन्होंने बॉल कराई और फेंक दिया, चौका फेंक दिया ईशा ने, बहुत अच्छा खेला, अपिश था लेकिन बहुत जबरदस्त, और एक दफा फिर और स्टंप रह गया ईशा का, बहुत अच्छी उम्दा बॉलिंग, बाहर निकलती हुई बॉल, ईशा जज नहीं कर पाई किस तरह से बॉल, दो बॉल 24 रन और फिर बॉल, बहुत जबरदस्त एहसन ने बहुत कंटेन करके रखा हुआ, ईशा को खेलने नहीं दे रहे और आउट भी हो गई है क्योंकि मैं उस तरफ खड़ा हूं नहीं, मुझे पता नहीं बताएं, मैं खड़ा हूं फैसल भाई जी भाईजन, और तीन बॉल 24 रन और बॉल बहुत ही उम्दा बॉल और आउट हो गए एक टिप के बाद। सिकंदर ने बड़ी अच्छी डाइविंग कैच लिया, बहुत जबरदस्त हैट्रिक पे हैं इस वक्त एम जे एसन, हैट्रिक होनी चाहिए, चीख चीख के बोल रहे हैं, बॉल कराई बहुत ही उम्दा बॉल टांगों में आके लगी, अगर एलबीडब्ल्यू को होता है डेफिनेटली प्लम एलबीडब्ल्यू थे, प्लम था जी हाँ प्लम था सर, लास्ट बॉल और करने के लिए आए एसन और बॉल कर दिया, ये बॉल पहले ही कर देते तो ये बात इस वक्त हैट्रिक होती, टोटल 24 रन और 25 का टारगेट है, नहीं नहीं ओवर, अब बैटिंग है पाकिस्तान स्टार की, देखते हैं वो क्या करते हैं, फील्डिंग को सेट करते हुए ईशा बॉल कराने के लिए आई है धुआ को, एक मिनट, एक लड़की का है हमारी भाई, इधर आ जा, ईशा बॉल कराने के लिए तैयार, धुआ अपने स्टांस पे बॉल कराई, ड्राइव किया और डबल लगा बॉल के बैट के पर और बहुत ही उम्दा, मेरी तरफ ही बॉल मार रही बहुत जोर जोर से, बॉल कराई ड्राइव किया और बहुत अपिच चौका, बहुत बेहतरीन शॉट, दो बॉलें चार रन इस वक्त मजमू स्कोर, दो बॉलों के अख्ताम पर ईशा दोबारा बॉल कराने के लिए आए दुआ को, दुआ ने ड्राइव किया और आउट हो चुकी है, सीधा हाथों में कैच और बेहतरीन बॉल का मुजाहरा, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा देर टिक नहीं सकी, एक मिनट इस वक्त टाइम लिया गया है जरा सा फील्डिंग सेट करने के लिए, बीच में जा तू इधर आ, फील्डिंग सेट की जा रही है और सिकंदर को बॉल कराई, सिकंदर ने पिच खेला थोड़ा सा और पीछे की तरफ बॉल गई और बहुत ही उम्दा रन लिया और ये सारी जिम्मेदारी आज सिकंदर और अब्दुल्ला के कंधों पे है कि अपनी टीम को जीत से हम किनार करें, और अब्दुल्ला ने बॉल खेला रिवर्स स्वीप किया और चार रन के लिए, टोटल 5 बॉलें और 9 रन इस वक्त इनका स्कोर, बहुत कम लग रहा है मुझे, पाकिस्तान स्टार को चाहिए अभी काफी रन और उनको चाहिए थोड़ा सा तेज खेलें, सिंगल डबल से काम होने वाला नहीं है, एक ओवर 10 रन नॉट बैड लेकिन अगर खेला जाए थोड़ा सा तेज तो नहीं, मेरे नहीं, से जीत सकते, एक मिनट इसको इधर ला, फैसल भाई बॉल कराने के लिए तैयार है अपने हिसाब से, फील्डिंग सेट कर रही आ रही है इस वक्त, वो कोने में कौन है, अच्छा हाँ चलो ठीक है, अब्दुल्ला फेस करने के लिए तैयार फैसल भाई को, अंदर होके पीछे हो, हाँ फैसल भाई आए, बॉल की बॉल खेली और बॉल बहुत ही उम्दा बॉल और स्टंप आउट हो गए, जबरदस्त बॉल, बाहर निकलती हुई बॉल, समझ ना सके अब्दुल्ला और बिल्कुल ही बाहर निकल गए, उन्होंने पीछे से स्टंप कर दिया उनको, बहुत अच्छी कीपिंग, बॉल कराई फिंगर बॉल की और ड्राइव किया एम जे एसन ने और दो रन लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं लिए उन्होंने, और इस वक्त फेस करेंगे फैसल भाई को सिकंदर,
दो बॉल 11 रन के खत्म पर और बहुत ही थाई पे, थाई पे लगी यहाँ और लगी है। बैट से नहीं लगी, लगी है बैट लगी लगी नहीं थाई से बैट से थाई से थाई से वो कह रहा है बैट से लगी नहीं थाई से लगी बैट से नहीं लगी बैट से नहीं लगी तो इस वक्त कोई रन नहीं मेरे ख्याल से डॉट बॉल हो गई है। 3 बॉल 11 रन और इस वक्त इनको बहुत रन चाहिए खेलना पड़ेगा पाकिस्तान स्टार को बहुत ही उम्दा बॉल और सिकंदर समझ नहीं पा रहे किधर जा रही बॉल ना लाइन समझ रहे ना लेंथ समझ रहे हैं बहुत अच्छी और उम्दा बॉलिंग कंटेन करके रखा है लास्ट बॉल है और ये फिर बहुत अपनी से लगी है टांग से लग के गई ये भी कोई रन नहीं है और डॉट बॉल गई है। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया है अब तक बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन है और एक ओवर में 14 रन की जरूरत है और एमजे सन और सिकंदर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अपनी टीम को पाकिस्तान स्टार को 14 रन की जरूरत है। यहाँ ध्यान रखें हम इनकी बॉल कराने के लिए आए देखते हैं वो क्या करते हैं बॉल की एमजे सन ने 4 फेंक दिया बहुत ही उम्दा शॉट रिवर्स स्वीप करते हुए इसलिए भेजा 5 बॉलों में 10 रन रिक्वायर्ड है इनको पीछे रहो बिल्कुल 24 उनका टोटल स्कोर था 25 रन इनको जीतने के लिए चाहिए और इस वक्त 10 रन रिक्वायर्ड है। एमजे सन ड्राइव किया उन्होंने आउट हो गए रन आउट हो गए बहुत ही उम्दा उन्होंने फौरन रन आउट किया उनको और बेहतरीन अपनी स्टेडियम में जाके वापस बैठ गए। देखिए बॉल कराने के लिए आए और 10 रन की जरूरत है और पिच खेला और आउट सीधा हाथों में उन्होंने कैच दे दिया ये ले लो मेरे भाई कैच और अब नहीं लगता कि मुझे कि अब जीता जाएगा हाँ मुझे तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ऑन हैट्रिक में इस वक्त हैट्रिक पे हैं और बॉल कराने के लिए आए हैं शराबील को शराबील ओए होए बहुत ही उम्दा बॉल लेकिन वाइड बॉल वाइड दी गई है वाइड बॉल 1 रन और मिल गया है इनको पाकिस्तान स्टार को 9 रन की जरूरत है इस वक्त 3 बॉलें बाकी हैं और ड्राइव किया और आउट हो गए। एक टिप के बाद मैंने कहा था ये बात ये कुछ नहीं करेगा हैट्रिक अबीबा आएगी बेटा जबरदस्त अबीबा होगी बेटा क्रॉसिंग खत्म हो चुकी है दुनिया में 2 बॉलों में जो कि इम्पॉसिबल है कि 9 रन बन सके लेकिन देखते हैं अबीबा कैसा खेलती है भाई खड़ी भी तो सही बॉल है बॉल कराने के लिए आया बॉल की अभी मैंने खेला और ऊपर से बॉल निकल गई उनको नहीं समझ में आया मेरे बैंड के लोग सारे आ जाएं ज्यादा बेहतर है और बहुत ही उम्दा शॉट 4 रन के लिए ये कहां थी पहले लेकिन बहरहाल बहुत देर हो गई है और जीत चुके हैं सोशल मीडिया स्टार सिकी सिकी पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे हाँ जीतेंगे इंतजार था ना चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा सब में शेर जैसी ना जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़ लड़खड़ाना नहीं है खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब खुश रहो पाकिस्तान खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।